नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। बिहार सरकार के परिवहन विभाग की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मदद करने वालों को 10,000 रुपये दिए जाने का ऐलान किया गया है। साथ ही इस बैठक में सड़क सुरक्षा के लिहाजे से कई निर्देश दिए गए। क्या रहा इस बैठक में जनता के लिए खास, देखिए इस रिपोर्ट में। छब्बीस अप्रैल को बिहार सरकार के परिवहन विभाग की बैठक हुई। परिवहन मंत्री शीला कुमारी की अध्यक्षता में हुई बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। वो न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि सरकार के ऐसे फैसलों से लोगों में जागरूकता आएगी और दूसरों की मदद करने के लिए वो आगे आएंगे। दरअसल बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मदद करने वाले गुड सैमरिटन को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। गुड सैमरिटन को 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि दिए जाने के फैसले के साथ साथ बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों और योजनाओं की परिवहन मंत्री ने समीक्षा की। इस बैठक में विभाग की मंत्री ने NHI के प्रतिनिधि को बसावट वाले क्षेत्र से गुजरने वाले NH के किनारे सुरक्षात्मक ग्रिल लगाए जाने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा बैठक में मंत्री द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए बिहार सड़क सुरक्षा परिषद और विभिन्न विभाग, जिसमें विभाग परिवहन, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, NHI, स्वास्थ्य, नगर और आवास, शिक्षा विभाग शामिल हैं। वहीं बिहार सरकार के परिवहन सचिव पंकज कुमार पाल ने जानकारी दी कि वर्तमान में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले गुड सैमरिटन को जिलों में चयन कर 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। अब तक कुल 919 गुड सैमरिटन को विभिन्न अवसरों जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी और अन्य अवसरों पर सम्मानित किया गया है। पंकज पाल ने बताया कि गुड सैमरिटन संबंधित दिशा निर्देशों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जिलों के महत्वपूर्ण सरकारी स्थल, भवनों की दीवारों पर जागरूकता युक्त बोर्ड भी लगाए गए हैं। परिवहन सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि सड़क दुर्घटना और दुर्घटना में मृतकों की संख्या में कमी लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए बिहार सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा विभिन्न स्टॉक होल्डर डिपार्टमेंट के सहयोग से कार्य किए जा रहे हैं, जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। पंकज पाल ने ये भी बताया कि परिवहन, पुलिस और अन्य संस्थाओं द्वारा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं बिहार सरकार के परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए विभाग को मार्गदर्शन मिलता रहता है। शीला कुमारी ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों की समय उपचार हेतु अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो काफी हद तक उनकी जान बचाई जा सकती है। आगे उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि लोग घायल पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आए। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन विभाग ने सम्मान राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। साथ ही बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि जिलों में जहां बस पड़ाव का निर्माण हो, वहां मॉडल प्रकलन में लघु शौचालय और शुद्ध पेयजल की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार सरकार की परिवहन विभाग की बैठक में लिए गए फैसले लोगों के लिए एक सौगात तो है ही, साथ साथ इनसे लोग जागरूक भी होंगे और दूसरों की मदद के लिए आगे आएंगे, जिससे सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों को समय पर इलाज मिल पाएगा। अब देखना यह है कि बिहार सरकार के लिए गए फैसले पर जनता का क्या रुख रहता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।